स्वागत है आपका दृष्टिकोण के नए अंक में। आज के इस अंक में मेरे साथ हैं शिवम मिश्रा। शिवम अपवर्ड में रिसर्चर हैं और पिछले दो ढाई वर्षों से काशी विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर लिख रहे हैं। स्वागत है शिवम आपका। जी नमस्ते। तो शिवम, काशी से जुड़ाव कब से है आपका? काशी से जुड़ाव मतलब तब से है जब से अपने होने की स्मृतियां हैं, मतलब काशी प्राण है इसलिए उस पर लिख रहे हैं। तो शिवम, आपका काशी कब से जाना लगा? काशी जब से वो संभाला है तब से बनारस तीर्थ करते आ रहे हैं, और जब से कॉरिडोर बनना शुरू हो गया तब से थोड़ा ज़्यादा राउंड लगने लग गए। अच्छा, तो अभी जैसा काशी विवादों में है, और ये है विवाद है ज्ञानवापी का। तो लोग कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद, जो न्यूज़ चैनल्स पे आप देखते हैं ना, आता है इस हेडलाइंस में कि ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है। तो ज्ञानवापी है क्या? क्योंकि हिंदू पक्ष कहता है ज्ञानवापी तीर्थ है, तो इसका क्या इतिहास है ज्ञानवापी का? ज्ञानवापी एक्चुअली ज्ञानोदक तीर्थ है, मतलब कि विदंतित कथा है काशीखंड में आती है स्कंद पुराण में, कि काशी को विश्वेश्वर ने अपने और जगदम्बा के विहार के लिए बनाया था, और इसलिए काशी प्राण से प्यारी थी विश्वेश्वर को। तो लेकिन एक राजा था देवदास करके, उसने तपस्या की, विशेष भोलेनाथ को पसंद किया, कहा कि बाबा अब हमको अपनी नगरी दे दो, बाबा हैं दानी हैं, कहा ले लो। तो वो जब जाने लगे तो बड़ा हृदय को बाबा को लग रही थी कि छोड़ना पड़ रहा है काशी, तो उन्होंने अपना एक स्वरूप जो है अभिमुक्त स्वरूप काशी में छोड़ दिया, क्योंकि देवदास का कहना था कि राजा अगर मैं हूँ बनारस का तो आप क्यों रहेंगे, क्योंकि एक शहर का दो राजा तो हो नहीं सकता। तो देवदास के वचन दे रखे थे तो उन्होंने छोड़ना पड़ा, लेकिन अब छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपना एक अभिमुक्त स्वरूप जो है वहाँ पर कह दे, अभिमुक्त का मतलब ये है कि जिस जो अभिमुक्त है बिना, तो उन्होंने अपना अभिमुक्त स्वरूप छोड़ दिया बनारस में। और अभिमुक्त अपने अभिमुक्त स्वरूप के लिए उनको जब प्यास लगी तो अपने त्रिशूल से विश्वेश्वर ने एक तड़ाक खोदा जिसका नाम हुआ ज्ञानोदक तीर्थ का है। और वो तीर्थ का जो जल है उसको अगर जब हिंदुओं पीते हैं तो ऐसा मानते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण की साइकिल से मुक्ति मिल जाती है। तो यही जो ज्ञानोदक तीर्थ था पूरा, जो तालाब का वाटर बॉडी थी पूरी, वो समय रहते सिकुड़ती गई और उसको कुआं का शेप मिला, उसी को ज्ञान वापी कहा जाने लगा। वापी मतलब कुआं ही होता है। तो ये है पूरी ज्ञान, तो वो एक्चुअली जो पूरा क्षेत्र है जिसपे मस्जिद बनी वो तीर्थ है, मतलब दैट लैंड इज इटसेल्फ इज अ डीटी, और जो कुआं है उसका जल है वो भी देवता है, वहाँ तरल स्वरूप में देवता विराजमान है, और जो जमीन है अभिमुक्त क्षेत्र वो भी देवता है। तो हमारे और जो मस्जिद है वो भी देवता के मंदिर पे ही बनी हुई है। वो कौन से मंदिर पे? वो तो अभिमुक्तेश्वर महादेव पे है, क्योंकि वो तो काशी विश्वेश्वर कहा जाता है। देखिए दो कहानी है इसमें, कहानी क्या है कि बनारस में मतलब हजार साल से ज़्यादा आक्रांता आते रहे, पहले मतलब कुबेरनाथ सुगुल कहते हैं कि नीलिया गतिन करके एक आक्रांता, तो उसने मंदिर तोड़े, फिर 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ दिया, फिर रजिया मंदिर, ये काशी विश्वेश्वर का मंदिर जो ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होता है वो स्थापित नहीं होता है, तो वो मंदिर और शिवलिंग खंडित कर दिया। तो एक कोई रजिया करके थी, रजिया सुल्तान, तीन रेफरेंस आता है हिस्ट्री में रजिया का, कौन सी रजिया थी क्लियर नहीं होता, उसने वहाँ पे मस्जिद बनवा दी। तो जो धर्मप्राण हिंदू थे वो अपने बाबा को कैसे पूजा करते, क्योंकि समय प्रतिकूल था, वहाँ मस्जिद बन चुकी थी, तो उन्होंने विश्वनाथ जी का मंदिर जो है रीलोकेट कर दिया अभिमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर के प्रांगण में। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि अगर आप ज्योतिर्लिंग को पूजा नहीं कर सकते तो उसके स्थान को पूजा करिए, अगर मान लीजिए ज्योतिर्लिंग खंडित हो गया है तो उसके स्थान पर नया शिवलिंग स्थापित कर दीजिए और उसको पूजा करिए तो आपको वही फल मिलता है। मान लीजिए आप मूल स्थान की भी पूजा नहीं कर सकते तो उसी के 100 मीटर के भीतर ही आप 100 मीटर रेडियस के भीतर ही आप नया मंदिर स्थापित करिए तो वो एज गुड एज ओरिजिनल टेम्पल होता है। तो जब विश्वेश्वर का मंदिर पर रजिया की मस्जिद बन गई तो हिंदुओं ने नया स्थान पर रिलोकेट किया शिवलिंग को, जो कि अभिमुक्तेश्वर महादेव के मंदिर का प्रांगण था, और वहाँ पे मंदिर बन गया। शायद गुजराती मर्चेंट था जिसने पहली बार मंदिर बनवाया था, वस्तुपाल उसका नाम था, राणा सिंह की किताब में उसका जिक्र आता है। फिर उस मंदिर को भी शर्की सुल्तानों ने तोड़ दिया 1300 में कुछ, फिर उस मंदिर को बचा मंदिर जो था वो तोड़ दिया आपके सिकंदर लोधी ने, फिर हिंदू 100 साल तक वेट करते रहे, फिर एक नारायण भट्ट करके वेद मर्मज्ञ हुए, उन्होंने पंचायतन स्वरूप में मंदिर का डिज़ाइन बनाया, उसके बाद आम्बेर के राजा मान सिंह ने उसको पैटर्नाइज किया और वो मंदिर बना। तो जो विश्वेश्वर का मंदिर बना वो अभिमुक्तेश्वर महादेव के प्रांगण में बना। इस मंदिर को 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा। तो ये है उस पूरे क्षेत्र का इतिहास। तो जो मूल स्थान की बात करते हैं तो मूल स्थान जो स्पेकुलेशंस हैं
जो रिसर्चर्स बताते हैं कि मूल स्थान जो है, कुबेरनाथ सुकुल का भी यही मानना है कि मूल स्थान जो है विश्वनाथ का वो रजिया की मस्जिद है, और जो जहाँ पे आज मस्जिद बनी हुई है औरंगजेब वाली मस्जिद, वो अभिमुक्तेश्वर का स्थान है, और उसके बगल में जो तीर्थ है ज्ञानोदक तीर्थ है। तो ये एक तरह से एक तंत्र के हिसाब से एक त्रिकोण बनता है, तो ये जो पूरा क्षेत्र ही अपने आप में ही देवता है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है, ये जो इनक्रोच्ड है रजिया की मस्जिद है, वहाँ पे अगर अगर कोई शास्त्रीय ढंग से देखा जाए तो हमें क्या क्या रिक्लेम करना है, तो हमें पहले रजिया की मस्जिद रिक्लेम करनी है, वहाँ पे विश्वनाथ विश्वेश्वर का मूल स्थान है, फिर उसके बाद हमें जो औरंगजेब वाली मस्जिद है उसको हटा करके वहाँ पे अभिमुक्तेश्वर का मूल स्थान है, और ज्ञानवापी तीर्थ तो है ही हमारे पास। तो ये है उस पूरा एरिया का जो शास्त्रीय अंडरस्टैंडिंग है। 1669 में जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया, उसके बाद हिंदुओं की क्या प्रतिक्रिया रही वहाँ की? देखिए, वो बड़ा कठिन समय था हिंदुओं के लिए कि औरंगजेब ने फरमान निकाल के तोड़ दिया, और केवल विश्वेश्वर का मंदिर नहीं तोड़ा गया था, कई सारे मंदिर तोड़े गए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि बड़ी सारी किंवदंतित कथाएँ हैं, कुछ कहते हैं शिवलिंग लेकर के पुरोहित उसमें कूद गया, ज्ञानवापी वाले कूप में कूद गया, कोई कहते हैं कुछ कहते हैं। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत बात हुई है पुरोहितों से, जो वहाँ के खानदानी पुरोहित हैं, और जो कुबेरनाथ सुकुल जो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक इतिहास कहा जाता है काशी के ऊपर, वो लिखते हैं कि 10 साल के भीतर ही शिवलिंग मस्जिद के बगल में ही स्थापित कर दिया गया था, 10 साल के भीतर में ही। फिर उसको छुप के हिंदू लोग उसकी मंगला आरती, शयन आरती, बाकी सप्तऋषि आरती करते रहे थे। फिर जो अहिल्याबाई होलकर थी इंदौर की महारानी, उनको स्वप्न आया, उन्होंने शिवाला बनवाया, तो शिवाला पंचायतन स्वरूप में उन्होंने बनवाया। उसके बाद शायद ग्वालियर की रानी थी, मराठा रानी, उनका नाम बैजाबाई था, उन्होंने उसके कॉलम्स बनवाए पूरे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के आके उसमें गोल्ड दान करके उसके शिखर को स्वर्ण मंडित कराया। कश्मीर के राजा जो थे गुलाब हरी सिंह, उन्होंने जो हौदा था अंदर उसमें चांदी मढ़वाई। फिर उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम पे था जब अहिल्याबाई होलकर बनवा रही थी मंदिर, तो उनकी कीर्ति पूरे भारत में फैल गई थी, और उस टाइम मुगल डिक्लाइन पे थे, और हिंदुओं की कलेक्टिव मेमोरी थी कि काशी इतना इंपॉर्टेंट है, तो सब वापस आके वहाँ पे मंदिर बनवा रहे थे। तो रानी भवानी जो थी बंगाल में नटोर की रानी, उन्होंने तारकेश्वर और भुवनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, और इस तरह से काम। तो फिर कलेक्टिव भारत के राजा आकर के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराने, मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हिंदुओं ने इसको रिस्पॉन्ड किया तत्काल उसमें। जब ये सर्वे हो रहा था तो उस टाइम आपने ट्विटर पे एक वीडियो डाला था केदारनाथ व्यास का जी। केदारनाथ व्यास कौन थे और क्या संबंध है उनका इस पूरे केस से? केदारनाथ व्यास जो हैं वो काशी के सबसे प्राचीन परिवारों में से एक रहा, व्यास परिवार, मतलब उन्हें काशी का व्यास भी कहा जाता था। कारण क्या है कि उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की संस्कृत में, उनकी बड़ी फेमस किताब थी काशी यात्राओं के ऊपर। अच्छा, काशी में जो यात्रा होती है बड़ी शास्त्रीय तरीके से होती है, उसमें इस तरह से नहीं होती कि आप आए, फ्लाइट लिया, सीधे पहुंचे जेटी से, और कॉरिडोर घूमते हुए टीका लगाया, सेल्फी कीजिए, बोला बम बम, ये दर्शन हो गया, ऐसे नहीं होता था काशी तीर्थ। काशी तीर्थ जो है वो एक तरह से पूरे भारत का रेप्लिका है, मतलब जो तीर्थ पूरे भारत में है वो काशी में है। 212 तीर्थ तो केवल प्लॉटेड हैं, जो कि एग्जैक्ट, अगर आप काशी में जो केदारेश्वर महादेव हैं उनका अगर शिवलिंग देखेंगे तो वो केदारनाथ में जो शिवलिंग है उसका एग्जैक्ट रिप्लिका है, ऐसे पशुपतिनाथ के एग्जैक्ट रिप्लिका है। तो यहाँ पे काशी यात्रा करने का एक विधि विधान होता है शास्त्र में, उस काशी यात्रा मतलब 12,000 साल का, मतलब 500 साल तक काशी में ऐसी स्थितियाँ हो गई, आक्रांताओं ने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी कि काशी में कोई सन्यासी बचा ही नहीं जो कि संन्यास उपदेश कर सके, दीक्षा देने का अधिकारी बचा ही नहीं था ऐसी स्थितियाँ हो गई। तो उस काशी यात्रा को जीवंत रखा हिंदुओं ने, बड़ा मतलब सोच के अपने ऋषि परंपरा को करते, बड़ी मेहनत से उसको जीवित रखा, सन्यासियों ने वापस शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, फिर उस पूरे काशी यात्रा को पंक्तिबद्ध किया। तो उस काशी यात्रा पे किताब जो सबसे ऑथेंटिक किताब कही जाती है वो संस्कृत में लिखी थी इन्होंने, केदारनाथ व्यास जी ने, और 14 अन्य ग्रंथों का भी स्थापना की, ग्रंथों को भी लिखा। तो ये थे केदारनाथ व्यास। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि जब इनके पास 500 साल पुराना तो लिखित प्रमाण है, अगर अकबर का टाइम से 500 साल अगर हो गया है तो उस टाइम का लिखित प्रमाण है कि काशी में एक व्यासपीठ है, कहते काशी में व्यास जी भी आए थे तो उन्होंने व्यासपीठ स्थापित की थी। व्यासपीठ में क्या काम होता था कि अगर काशी यात्रा, कोई भी आप
रेगुलर संध्या भी करते हैं तो उसमें आपको संकल्प लेना पड़ता है कि मेरा नाम शिवम मिश्रा है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है और मैं इस कारण पूजा कर रहा हूँ, संकल्प लेने का विधान होता है। तो काशी में जो यात्रा शुरू की, आप बनारस आए हैं, आप बनारस आने का आपका क्या प्रयोजन है, आप ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आपको संकल्प लेना पड़ता। तो संकल्प लेने का स्थान जो था वो व्यासपीठ था, जो कि कहते हैं व्यास परिवार ने स्थापित किया था। तो इस व्यासपीठ का संचालन जो था वो केदारनाथ व्यास का परिवार मिनिमम 500 साल से करता आ रहा था, हालांकि करता तो पहले से भी था, तो इतना प्राचीन परिवार था, इस इतना इंपॉर्टेंट काम था पूरे काशी यात्रा को संचालित करने का और व्यासपीठ पर संकल्प दिलाने का इस परिवार का काम था। और चूंकि ये इनका भवन था उसका नाम था व्यास भवन, व्यास भवन अपने आप में हेरिटेज भवन था क्योंकि सारे जॉर्ज पंचम, रानी विक्टोरिया, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, सबने माथा टेका है व्यास भवन पे। और आर्किटेक्चर में कंसेप्ट होता है एक्सिस मुंडी का, गर्भनाल का, कि आदिशंकर ने कहा है कि बनारस जो है भारतीय सभ्यता का केंद्र है और इस केंद्र का भी केंद्र जो है वो है ज्ञानवापी कूप, और ज्ञानवापी कूप के बगल में ही स्थित जो थी व्यासपीठ, वहीं से संकल्प लिया जाता था और फिर वहीं पे आकर यात्रा पूरी करके संकल्प छुड़ाया जाता था। तो मतलब एक पूरा सर्कल तैयार हो गया है पूरा, कि मतलब आप जहाँ से शुरू करें वहीं पे वापस आ रहे हैं। तो इस पूरे क्षेत्र का संचालन करने का काम व्यास परिवार का था। फिर क्या 1947 में, अब चूंकि इनका परिवार प्रतिष्ठित परिवार था, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमानों ने आकर मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। तो व्यास परिवार उस टाइम युवक हुआ करते, तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली उनको नमाज पढ़ने से रोका, ब्रिटिश पुलिस ने उन पर केस किया और उस केस करने बाद उनका बेल कराया था काशी नरेश ने। और अभी तक जो हिंदू पक्ष, मतलब जब से अंग्रेजी सरकार शुरू हुई थी, कोर्ट कचहरी चक्कर शुरू हुआ था, तो इसी ये हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व यही परिवार करता आ रहा था हमेशा से, क्योंकि मुस्लिमों ने जो केस किया था 1900 के टाइम पे कुछ, उसने जो केस में क्लेम किया था कहा था कि ज्ञानवापी वाली मस्जिद और आसपास का पूरा एरिया हमारे अधिकार में होना चाहिए। व्यास परिवार ने काउंटर करते कहा था कि उस पूरे एरिया का जो स्वामित्व था वो व्यास परिवार को कोर्ट ने दिया, क्योंकि ये लड़े थे। तो उसमें जो ज्ञानवापी वाली मस्जिद है उसके नीचे के तहखाना की चाबी तक इनके पास हुआ करती थी, व्यास परिवार के पास ही हुआ करती थी। और जो पुराना मंदिर था जो औरंगजेब ने तोड़ दिया, उस मंदिर के पश्चिम भाग में श्रृंगार मंडप हुआ करता था, श्रृंगार मंडप में श्रृंगार गौरी हुआ करती थी। उस श्रृंगार गौरी की राजभोग सेवा आरती का जो संचालन करने का जो स्वामित्व था वो व्यास परिवार के पास हुआ करता था। तो इतना इम्पोर्टेंट था व्यास परिवार। तो उन्होंने जो जो आज जो बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, और उस क्षेत्र का संरक्षण करने का जो पूरा काम था वो व्यास परिवार ने किया है। और लेकिन व्यास परिवार के अंतिम समय बहुत दुखदायी बीता है, इस पर किसी ने चर्चा कभी नहीं की। क्या हुआ था अंतिम समय? अंतिम समय इनका बड़ा कठिन बीता, क्योंकि ये मतलब व्यास जी बहुत ज्ञानी तो थे ही, तो नील गुत्सोव जैसे जो हाइडलबर्ग जर्मनी के बड़े बहुत बड़े विद्वान हैं, वो चाहते थे व्यास जी जर्मनी चले उनके साथ, लेकिन व्यास जी ने कभी बनारस नहीं छोड़ा। कारण क्या था? क्योंकि उनको विश्वनाथ जी बड़े प्यारे थे, वो व्यास भवन में रहते थे, वहीं से सारा अपना अनुसंधान करते थे, उनके घर में 40 विग्रह थी जिनकी सेवा राजभोग करते थे, उन्होंने कभी जीवन में विवाह नहीं किया। अब उनका घर जो था विश्वनाथ मंदिर के बगल था, उनका जीवन शुरू होता था सुबह विश्वनाथ सुप्रभातम सुनते हुए, दिन खत्म होता था शयन आरती होने पर, जब कपाट बंद हो जाता है मंदिर का। अंत समय में क्या हुआ, उनका घर जो है कॉरिडोर के बीच में आ रहा था। अब चूंकि घर हेरिटेज है तो गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती थी, ये लॉ के अगेंस्ट था, उन्होंने अपना घर बेचा नहीं, चमन्नी कभी कंपनसेशन ली नहीं। लेकिन अब कॉरिडोर बनना था तो उनका घर जो था तीन जगह से घर को खोद दिया गया, तीन जगह से, और घर को लैप्स कर गया। तो उनकी जो पांडुलिपियाँ थीं, जो उनके परिवार की मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, किताबें थीं, 40 विग्रह थे, वो सब उसी में दब के ख़त्म हो गई। और आखिरी में उन्होंने उनको एक वृद्धाश्रम में कि अपना समय गुजारना पड़ा, वो विवाहित नहीं थे तो उनका कोई संतान नहीं थी। और वो इतने महान थे कि मतलब किंवदंतित कथा जनश्रुति ये है कि जो मंडन मिश्र थे वो जब काशीवास करते थे तो उनके यहाँ रुकते थे और वो अपने आप को व्यास परंपरा का ही मानते थे। तो इसलिए तो इस इम्पॉर्टेंट जो आदमी इतना ज़्यादा हिंदू सब हिंदुत्व के लिए जिसने अपने प्राण दे दिए, उस आदमी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ, अंत में कोई पूछने वाला नहीं था। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उनका घर आ रहा था, इसलिए वो घर तोड़ दिया। घर नहीं, उनका भवन था बेसिकली, वो हेरिटेज बिल्डिंग थे अपने आप में।
उसको संरक्षण करना हिंदू की हिंदुत्व की लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कानूनी रूप से उसको संरक्षण करना सरकार का दायित्व बनता था, लेकिन कब कॉरिडोर में आ रहा था तो जाना था तो चला गया था। यार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर एक आर्टिकल लिखा था आपने, कैटास्ट्रॉफिक क्योटाइजेशन ऑफ काशी। जी जी। तो क्या था ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट, क्योंकि जब 2021 में दिसंबर 2021 में इनॉग्रेशन हुआ तो इसको एक तरह से काशी को रिक्लेम करते हुए प्रेजेंट किया गया कि काशी को हिंदू पुनः रिक्लेम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट था क्या ये? नहीं, काशी ये प्रोजेक्ट रिक्लेम अगर करना है तो नहीं, मतलब ये ऐसे एडवर्टाइज किया गया था कि जैसे अयोध्या के बाद काशी हो गया अब, कि मतलब ये अब की मस्जिद को छुप गया है, तो फिर छोटी लाइन बड़ी लाइन वाला कंपैरिजन दे दिया गया था ना, कि लाइन अगर आप मिटा नहीं सकते तो बड़ी लाइन खींच दो, तो दीवार ऊंची कर दो तो मस्जिद नहीं दिखेगी। मस्जिद यथास्थान है, मस्जिद अभिमुक्तेश्वर के मंदिर पे ही है, मस्जिद ज्ञानवापी तीर्थ पे ही है और मूल स्थान पे आज भी रजिया की मस्जिद पे है, तो कोई रिक्लेमेशन नहीं हुआ है। आज भी मस्जिद मुस्कुराती है, पहले तो उसमें मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते थे, आप तो डंके की चोट पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। जो मेन गेट हम आप जाएंगे तो 300 रुपया देना पड़ेगा वीआईपी दर्शन के लिए, उस मेन गेट का यूज़ करके जाते हैं मुस्कुराते हुए, दाँत चीरते हुए कि ला हम कर रहे हैं नमाज तुम्हारे मुंह पे कर रहे हैं, तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र पे कर रहे हैं, तुम क्या कर लोगे, पुलिस प्रोटेक्शन में कर रहे हैं। तो रिक्लेमेशन कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर का प्लान था वो आज का नहीं था, 90s के टाइम से चलता आ रहा था, बस उसका नाम कॉरिडोर वर्ड नहीं था, इसको विस्तारीकरण कहते थे कि मंदिर का विस्तारीकरण। मंदिर जो था एक्चुअली में वो पंचायतन शैली में था। पंचायतन शैली में क्या होता है कि जो अहिल्याबाई ने जो मंदिर बनवाया था वो शिव पंचायतन में था। जो स्मार्ट संप्रदाय के लोग होते हैं काशी में, 5 देवता की पूजा प्रधान होती है, उसमें शिव होते हैं, विष्णु होते हैं, आपके भगवती होती हैं, विनायक होते हैं और आदित्य होते हैं, और आपके जो इष्ट होते हैं वो बीच में स्थान ले लेते हैं, बाकी सब देवता साइड में स्थान ले लेते हैं। तो जो विश्वनाथ का जो मंदिर था काशी विश्वनाथ, जो आज हम वर्तमान काशी विश्वनाथ वर्तमान जो मंदिर है वो पंचायतन स्वरूप में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, जिसके अग्नेय कोण में अभिमुक्तेश्वर थे, नैऋति में लक्ष्मी नारायण थे, अभिमुक्तेश्वर के बगल में भोग अन्नपूर्णा थी और एक कॉर्नर पे पार्वती जी थी। तो ये तरह से विश्वनाथ पंचायतन बनता था। अब ये जो कुल और विश्वनाथ जो है अंदर जो तीन मंदिर थे, एक विश्वनाथ जी का तो है ही है ईशान कोण में, बीच में वैकुंठेश्वर महादेव, इधर दंडपाणि महादेव, इस टाइप से तीन मंदिर है ही हैं। तो कुल मिला के 7 मंदिर थे उस पूरे एरिया में, 7 मंदिर एक यूनिट बनाते थे। जो सब्सिडरी श्राइन्स थी वो मेन टेम्पल का ही पार्ट था। तो ये जो मंदिर था, अब इसके बगल में अगर आप मैप को देखेंगे तो उसके बगल में तारकेश्वर मंदिर है, तारकेश्वर मंदिर इंडिपेंडेंट मंदिर था, उसके बगल में भुवनेश्वर मंदिर है जो कि इंडिपेंडेंट मंदिर था। तो पीछे जो काम होते थे कि उस मंदिर को जो उसका उस मंदिर का जो इसके पास सेवैती थी उससे मंदिर जो मंदिर परिषद होता था न्यास परिषद, वो मंदिर खरीद लेता था और उसको मेन प्रांगण में मिला लेता था, इस तरह से मंदिर एक्सपेंड होता रहता था। तो यही इसी प्लान को इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नाम दे दिया, और ये प्लान काशीवासियों ने खुद बनाया था, धीरे धीरे होता था क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, न्यास परिषद अधिकारियों की मदद से करता था। तो गवर्नमेंट जब आई तो सबको लगा कि अब काम तेजी से हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने मंदिर एक्सपेंड करने के ही काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। तो ओरिजिनल प्लान कितना सही था कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं ललिता घाट से, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी के दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आपको पेड़ का श्रृंखला मिल रही है, उसमें सारे सारे मंदिर विद्यमान है, यथास्थान शिवलिंग पे आप थोड़ा थोड़ा गंगा जल चढ़ाते हुए पहुंच रहे हैं विश्वनाथ जी के मंदिर में, फिर एकदम शास्त्रीय तरीके से आप संकल्प ले रहे हैं व्यासपीठ पे, फिर उसके बाद आदित्य का दर्शन कर रहे हैं, फिर लक्ष्मीनाथ साहब अभिमुक्त महादेव का दर्शन करते करते सबसे हाई लो करते सारे देवताओं से, फिर आप जाके बाबा का दर्शन कर रहे हैं। ओरिजिनल प्लान ये था। फिर उसके बाद इन्वॉल्व हुए इसमें गवर्नमेंट, 2014 में सरकार जीती। अब चूंकि 14 में जब जीती तो लगा कि अब पृथ्वीराज चौहान आ चुके हैं, अब हिंदुओं का जो है वो होगा, पुनर्जागरण हो चुका है, अब काशी जो है अब वो अपने गढ़वालों की काशी हो जाएगी, फीलिंग तो यही थी। तो इन्होंने क्या किया, न्यास परिषद जो था, जो ट्रस्ट जो था, जो मंदिर को संचालित करता था, जो प्लान एग्जीक्यूट करता था, उन्होंने प्लान दे दिया गवर्नमेंट को। और बट ऑब्वियस डिविजन, क्योंकि हिंदुत्व की सरकार आ चुकी थी तो काम बहुत तेजी से होगा। अब 17 में सेंटर स्टेट में भी गवर्नमेंट आ गई अपनी, अब काम शुरू हुआ। तो जो ओरिजिनल प्लान था 100 मकान एक्वायर करके, उसमें जो मंदिर थे उनको यथास्थान छोड़ करके, उस पूरे क्षेत्र में पेड़ लगा करके सारे कुएं और सारे पेड़ों को यथास्थान रखते हुए एक कॉरिडोर बनने का पूरा प्लान था। अब यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया बिजनेस इंटरेस्ट, इन्वॉल्व हो गया। अब यहाँ 100 की जगह 600 घर एक्वायर किए गए। अब जब 600 घर एक्वायर किए गए
तो अब काशी में हर घर में मंदिर है भाई, काशी में शिवलिंग स्थापित करने का बड़ा महत्व क्योंकि है। ये एक आरोप भी लगा था बीच में कि लोगों ने जो मंदिरों पे कब्जा कर लिया, कब्जा कर घर लिया। बना लिए थे, तो ये जो 600 घर थे ये वही, हाँ मतलब नहीं, तथाकथित रूप से न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ये जो घर हैं ये वही हैं जिन्होंने मंदिरों पे कब्जा करके घर कब्जा बनाए, करके शौचालय बना लिए थे। हाँ शौचालय बना लिए मतलब थे। अब पूरा विश्व जो है हिंदू धर्म समझने आता था काशी के इसी क्षेत्र में, और इसी क्षेत्र के लोगों ने घरों में शौचालय बना लिया था, मंदिरों में मंदिरों पे शौचालय बना लिया था, और लोगों ने इस आर्गुमेंट को खरीदा भी। तो एक्चुअली पहले शौचालय वाले आर्गुमेंट पे आ जाते हैं कि देखिए बात ऐसा है कि दो शब्द इस्तेमाल किए गए, कब्जा और शौचालय। मतलब गलती हो गई कि 300 साल पुराने पहले जो किसी ने कोठी बनवाई या घर बनवाई, गलती ये हो गई ना, उसको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था कि अभी अब हिंदू ऊर्जा सम्राट आएंगे और कॉरिडोर बनवाएंगे, और तत्कालीन नगर निगम नहीं है तो नगर निगम भी इमेजिन कर लेना चाहिए था कि 300 साल बाद नगर निगम भी होगी तो क्या है, तो अतिक्रमण हो जाएगा, तो एंटिसिपेट नहीं कर पाए। 300 साल पुराना घर जो है इंक्रोचमेंट हो गया है। इंक्रोचमेंट कितना पुराना होता है, आप सरकारी संपत्ति उसमें आप इंक्रोच कर लीजिए। अब कोई मारवाड़ी सेठ आ रहा है, उसने अपने घर पे अपने एक जमीन वहां पे जगह दे करके मंदिर बनवाया बनवाया था मतलब बनवाया फॉर एग्जाम्पल हम बता हाँ रहे हैं, और उसके बाद उसकी पूजा सेवा भोज आरती करने के लिए एक पंडित को नियुक्त किया, और पंडित का घर उसी मंदिर के आसपास बना, उन पंडित का परिवार बढ़ा, उसने मंदिर, और मंदिर उस प्रॉपर्टी किसकी, एंड ऑफ द डे वो पंडित की प्रॉपर्टी है, जो पुरोहित परिवार है उसकी प्रॉपर्टी है, और वो उसमें सेवा राजभोग आरती कर रहा है, अपने पैसे से कर रहा है, और उसने अपने घर के बाउंड्री में ले लिया। भाई मंदिर यथास्थान थे, और 100 साल पहले अगर लिया उसने अपने बाउंड्री में तो चोरी तो है नहीं, तब तो देश भी आजाद नहीं हुआ था। तो जो इंक्रोचमेंट वाला है ये तो आर्गुमेंट ही निरर्थक है कि इंक्रोचमेंट क्या होता है। इंक्रोचमेंट होता है कि संपत्ति किसी और की, आपने उस पर जाके कब्जा कर लिया। मंदिर का देवता, मंदिर का स्वामी देवता होता है, पर उसका जो रख रखाव करता है उसके पास सेवा इतनी होती है, और चूंकि मंदिर एंटीक है, वो पूरा मोहल्ला ही एंटीक था, तो वो अपने प्रॉपर्टी को अपने उसमें तो लेगा ही ना, तो कब्जा नहीं था। कब्जे में भाई अगर कब्जा था तो मतलब ये अब तक सो रहे थे क्या भाई, 40 साल से विधायक इनका है, पार्षद इनका है, 20-20 साल से इनके सांसद हैं, तो अब तक ये विजया सेवन करके तंद्रा में थे, सो रहे थे, अब इनको अचानक सपना आ गया कब्जे में था। और मतलब ये बेवकूफी वाली बात है कि वो मोस्ट रिसर्च्ड एरिया है, सबसे ज्यादा म्यूजिशियन, समाजशास्त्री और इंडिया कल्चर, इंडियन कल्चर करने के लिए, पढ़ने के लिए विदेशी उसमें आते हैं, वॉल्यूम्स लिखी गई हैं उस पूरे एरिया में, कि एक मंदिर को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कहानियां, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, घाटों के ऊपर रिसर्च पेपर लिखे गए हैं, उस एरिया को वहां के प्राइवेट सिटीजन राणा पीवी सिंह ने उस पूरे घाट के एरिया को यूनेस्को में हेरिटेज में शामिल लिस्ट में हो जाए उसके लिए वो दिया था, क्या कहते हैं आपका, पूरा पत्र लिखा था और पत्राचार हुआ था, वहां से भी यूनेस्को से भी आया था इंडियन गवर्नमेंट के पास कि आप इसको ऑफिशियली भेजिए तो हम डिक्लेयर करेंगे, गवर्नमेंट ने आज तक नहीं भेजा। भाई अगर कोई चीज कब्जा, कहते मंदिर मिले, काशी ना हो गया कराची हो गया कि पता ही नहीं है, मंदिर मिले क्या होता है भाई, मंदिर वहां थे, एक एक मंदिर मतलब इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि आप ब्रह्मनाल जाएंगे वहां पे आपको स्वर्ग द्वारेश्वर मिलेगा, उसके बगल में अमृतेश्वर है, अमृतेश्वर का शिवलिंग जमीन से 60 फीट नीचे है, बकायदा केदारनाथ कुबेरनाथ शुक्ल ने किताब लिख दी, वाराणसी वैभव, जिसको पटना से छपी हुई किताब, और किताब क्योंकि प्रकाशी का, कुछ ट्वीट्स आए थे जिसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट था और कुछ अधिकारियों का भी था कि हमें यह मंदिर प्राप्त प्राप्त हुआ, हुआ। हाँ अधिकारी एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं उसमें कुछ मिल दिखता है नहीं, तो उन्हें हर चीज प्राप्त होता, तो चौंकता है जब बच्चा बड़ा होता है ना तो मशीन देख के चौंकता, अरे क्या हिली मशीन, क्या वो हर चीज देख के चौंक जाता है, ताली बजाने गुड्डा देख के चौंक जाता है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो ये लोग चौंकते बहुत, अरे पूजा वैसे भी होती है, अरे शिवलिंग 10 फीट नीचे भी होता है। अगर कभी ढंग की किताब पढ़े होते तो उसमें कुबेरनाथ शुक्ल को, तो उसमें एक एक मंदिर मतलब अगर आप ढंग से देखेंगे तो इतना तब डिटेल में लिखा हुआ है कि कितने मंदिर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं काशी में, कितने स्वयंभू शिवलिंग हैं, पंडितों ऋषियों द्वारा स्थापित कौन से शिवलिंग हैं, आम शिवलिंग कितने हैं, इसका पूरा बकायदा डॉक्यूमेंटेशन है। और ये और ये केवल किताबों में नहीं है, जो वाराणसी डेवलपमेंट एसोसिएशन है उसने भी कई बार सिटी का डेवलपमेंट प्लानिंग बनाया, तो उसमें ये सारा चीजें डाली गई हैं, और ये सब किताबें वेल पब्लिश्ड रिपोर्ट्स हैं, राणा पीवी सिंह की किताबों में सब बकायदा पब्लिश किया जा चुका है। तो मंदिर प्राप्त, या तो आईएएस जो अधिकारी थे जो उनको डील करते, उन्होंने किताब देखी नहीं थी कभी जिंदगी में, या तो उन्होंने जानबूझ के
झूठ फैला के मंदिर मिले, और मंदिर कब्जा करके क्या मंदिर से क्या वो पैसा मिलता है क्या शिवलिंग से? बल्कि शिवलिंग पे पूजा करने का, पांच टाइम का पूजा करने का पैसा लगता है भाई। अगर आप सही से पूजा करते हैं तो रोज का 100 रुपया खर्चा है शिव पूजा करने का, तो कोई आदमी बेवकूफ़ी होगा जो मंदिर को। तमिलनाडु में मंदिर वेकेंट पड़े हुए हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो सदगुरु कह रहे हैं कि फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स, फिर वो किसी को ट्रेनिंग करके भी बैठा देंगे मंदिर में। यहाँ पे जब पूजा हो रही तो तकलीफ है कि मंदिर कब्जा कर लिए थे। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने एकदम सिस्टमेटिक झूठ बोला, जैसे यहूदियों का चरित्रहनन करने के लिए हिटलर ने, गोबल्स ने करवाया था कि ये शकल खराब होती है, ब्याज पे पैसा खाते हैं, इस लोअर रेस है। तो इन्होंने ब्राह्मणों का व्यवस्थित चरित्रहनन किया कि इन्होंने मंदिर कब्जा करके रखा था। अरे आज भी कितने सारे मंदिर हैं बनारस में, जगह जगह पे शिवलिंग है। अब रानी, बंगाल की रानी भवानी ने एक बंगाली टोला में एक किला बनवाया, किला के अंदर तारा देवी का मंदिर है, तो मंदिर अंदर जाके है, तो रानी भवानी तो कब्जा कर लिया, मंदिर खुद ही बनवा के खुद ही कब्जा कर लिया। तो कब्जा, ये सब तो फालतू वाली बातें हैं कि कब्जा हो गया, ये हो गया। हाँ, तो फिर जब इनको प्राप्त हुआ, डिस्कवर किया इन्होंने मंदिर, जैसे कोलंबस ने डिस्कवर किया था ना रास्ता, उसके पहले तो कोई रास्ता था ही नहीं, ऐसे उन्होंने मंदिर डिस्कवर कर लिए। तो ये, हाँ, मतलब इसके बाद फिर क्या किया प्रशासन ने जब ये मंदिर मिल गए, तो काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ा, कॉरिडोर प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ा? 2017 में जब 18 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो इन्होंने प्लान कभी सार्वजनिक नहीं किया था, ये फैक्ट है। 2019 में इसका शिलान्यास किया था माननीय प्रधानमंत्री ने, उसके पहले जो तोड़फोड़ हुई थी, घर एक्वायर करके जो तोड़े जा रहे थे, उसके पहले कोई प्लान पब्लिक नहीं था। लेकिन इनके दिमाग में कुछ, ये वो पूरा एरिया पॉश है, पॉश इन द सेंस कि गंगा किनारे है, बगल विश्वनाथ मंदिर है, बिजनेस। अब वहाँ पे ये गरीब लोग कैसे रह रहे हैं, चुटिया और ये धोती पहने लंगोट बांधने वाले ब्राह्मण कैसे उस जगह पे कब्जा करके रह रहा है? वहाँ पे एक भिखारी महल था कुंवरिकर्णिका पे, वो भिखारी महल एक भिखारी ने बनवाया था इसलिए कि बनारस में जो भिखारी आते हैं उनको रहने की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसने भिखारी महल बनवा दिया भीख मांग मांग करके। तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि इतना पॉश एरिया है, यहाँ पे तो एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होना चाहिए, हाई क्लास 5 स्टार वो होना चाहिए, ये बुढ़े मरने क्यों आते हैं बनारस में? मरे कहीं जा करके उस एरिया में, तो मतलब ये 5 स्टार वो मतलब लेजर लाइट और वो होना चाहिए। तो यही था, तो मंदिर टूटेगा, बाकी विश्वनाथ जी का ही है, बाकी मंदिर है उस पर दर्शन करिए, बाकी यहाँ पे आप घूमिए। तो उन्होंने इसलिए एक्वायर किया, टोटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मंदिर एक्वायर करने शुरू की, घर एक्वायर करने शुरू की, मतलब उस पूरे क्षेत्र का कमर्शलाइजेशन किया है। जो एरिया जहाँ कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्मनाल करके जगह है, मतलब काशी खंड में काशी को शिव का शरीर कहा गया कि जो अस्सी और वरणा है वो इदा और पिंगला है, और जो बीच में क्षेत्र है जैसे वाराणसी बनारस कहा जाता है, अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, वो सुषुम्ना है। इस क्षेत्र में अगर आप साधना करेंगे तो अपने आप में आपकी साधना बहुत तेज फलित हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लोग रहना बहुत ज्यादा चाहते थे, इसलिए यहाँ पे मंदिर बहुत ज्यादा स्थापित हो। यहाँ दुनिया दिवाली मनाती, यहाँ देव दिवाली में देवता यहाँ दिवाली मनाने आते थे। तो उस क्षेत्र में इन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई जो वहाँ पे मंदिर, ये कहानी थी इसकी। तो जैसे आप कह रहे मंदिर तोड़े गए, तो कौन कौन से मंदिर थे या इनका, इन मंदिरों का क्या सिग्निफिकेंस था? वैसे तो मतलब कोई भी मंदिर नहीं टूटना चाहिए, लेकिन ये कहा गया है कि पुराणोक्त मंदिर भी तोड़े गए इसमें। एक 3-4 लेवल पे बात करते हैं हम लोग। पहले स्क्रिप्चरल सिग्निफिकेंस बताते हैं, मंदिर को स्क्रिप्चरली क्यों इम्पोर्टेंट है, दूसरा उसमें सिविलाइजेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट थे, तीसरा आर्कोलॉजिकल उससे क्यों इम्पोर्टेंट थे, चौथा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट थे। देखिए स्क्रिप्चरली इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि काशी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है पुराणों में। सबसे प्राचीन पुराण है आपका लिंग पुराण, उसमें बकायदा एक चैप्टर है काशी रहस्य करके। फिर उसके बाद काशी खंड तो है ही है, सबसे बड़ा चैप्टर स्कंद पुराण में, फिर पद्म पुराण में है, फिर पराशर स्मृति में है, फिर जावाली उपनिषद में है, मतलब उपनिषदों में भी काशी की इतनी चर्चा और महानता की गई है। तो यहाँ पे देवता ऋषि आते रहते थे, सारे ऋषियों ने अपना तप साधना की। कोई कोई जमीन तीर्थ इसलिए बन जाती है जब वहाँ पे तप का स्पर्श हो जाता है। तप का स्पर्श कब आता है? जब वहाँ पे तपस्वी आते हैं। तो काशी तपस्वी देवताओं का, इन सबका क्षेत्र हमेशा से रहा है। वो आए, उन्होंने तब किया, अपना शिवलिंग और मंदिर स्थापित किया। और काशीखंड में जो कथा आती है कि देवदास ने जब काशी एक्वायर कर लिया था शिवजी से, तो सारे देवता यहाँ आते थे और यहाँ बस जाते थे। फिर अल्टीमेटली जब शिवजी ने वापस लिया देवदास से काशी, तो सारे देवता उसका अब आप जाइए अपने अपने लोगों को, तो देवताओं ने कहा काशी इतनी प्रिय हम नहीं जा सकते, तो सब देवता अपने अपने काशी में एक स्थान प्राप्त करके रहने लग गए। इसीलिए काशी में 56 विनायक हैं, द्वादश आदित्य हैं, अष्ट गौरी हैं, नव दुर्गा हैं,
अष्टाष्ट भैरव हैं, 64 योगिनियां हैं, तमाम द्रौपदी द्रौपदादित्य हैं जो द्रौपदी ने स्थापित किए थे, पंच पंडवा मंदिर हैं। राम जी ने भी जब ब्रह्म हत्या कर दी थी, रावण को मार दिया था, तो उसके बाद आके उनका प्रायश्चित भी काशी में पंचक्रोशी करके हुआ था। इसका 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 जो गवाही दी थी वो साक्षी विनायक, उनका नाम ही साक्षी विनायक है, वो गणेश जी भी यहाँ पे हैं। तो काशी में और ये सब एक तरह से यंत्र स्वरूप बनाते हैं, 56 विनायक 8-7 आवरण में है और 8 दिशाओं में है, तो एक यंत्र फॉर्म बनाते हैं। द्वादश आदित्य का अपना एक यंत्र फॉर्म है। तो इस तरह से काशी में जगह जगह थे, इसलिए काशी स्क्रिप्चरली बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा दूसरा सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन यही तो है कि हमारे बाप ये करते थे, हमारे दादा करते थे, अब हम ये करते थे। तो काशी यात्रा जो होती है तमाम देवताओं की, वो हम कर रहे हैं, हमारे पिता करते थे, हमारे दादा करते थे। अब जब वो आगे आएगा, जैसे 56 विनायक में 5 विनायक तोड़ दिए गए हैं, दुर्मुख विनायक, सुमुख विनायक, प्रमोद विनायक, मणिकर्ण विनायक अब यथास्थान नहीं है, तो यंत्र विखंडित हो गया है। तो आने वाली जनरेशन, पहली बात तो साउथ के लोग करते हैं, नॉर्थ में तो कोई करता भी नहीं काशी यात्रा। तो जब काशी यात्रा करने आएगा अगली बार आदमी, तो वो देखेगा देवता तो है ही नहीं, तो यात्रा खंडित हो गई, तो सिविलाइजेशन ब्रेक हो गया ना। व्हाट मेक्स मैन अ मैन, कल्चर ही तो बनाता है, और कल्चर ही खंडित हो गया, तो सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट था, तो ये सिविलाइजेशन हमारा ब्रेक हो गया। कि तीर्थ सभ्यता को चिरस्थाई करता है, जब तीर्थ से तीर्थोत्तर हट जाएगा तो सभ्यता क्या बचेगी। फिर आर्कियोलॉजिकली हम लोग आते हैं, भाई नियम तो यही है ना कि 100 साल कोई भी चीज पुरानी है तो उसका संरक्षण करना आर्कियोलॉजी का काम है। भाई पाषाण के मंदिर थे, स्टोन के मंदिर थे, सिंगल स्टोन मोनोलिथ मंदिर थे, 100-100 साल पुराने मंदिर थे, मिर्जापुर स्टेट का मंदिर था, जम्मू स्टेट का मंदिर था, मतलब लोगों ने कोठियां बनाई थी, टोडरमल के लड़के की कोठी, कश्मीरी मल, इन सब ने कोठियां बनाई थी। तो अपने आप में जो जितने भी रोम और ये सब खंडवन लोग देखने जाते हैं, वो यही सब तो है कि टूटा है लेकिन उसको संरक्षित किया, लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो जीवित था सब कुछ, और वो मतलब ये आर्कियोलॉजिकली एक तरह से क्या कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर था। इस पे जिस निर्ममता से जेसीबी घुसा करके तोड़ करके वहाँ भद्दी भद्दी वेटिकन स्टाइल बिल्डिंग बनाई गई है, चरित्रवेन निर्माण किया गया है, सही बात देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट को तो इस एरिया को टच नहीं करने देना चाहिए था इनको, क्योंकि क्या करता आर्कियोलॉजिस्ट, ये मटके का पोर्शन मिल गया, गिट्टी मिल गई, इसी को तो संरक्षित करके नेशनल म्यूजियम में दिखाते हैं। तो यहाँ तो बकायदा अभी भी मंदिर हैं बड़े बड़े और वैरायटी, उस मंदिर छोटा ही है तो भी उसमें गोपुरम है, शिखर है, मंडप है, उसमें देवताएं 5 टाइम की आरती हो रही है, तो वो उसको तो आर्कियोलॉजी की उसको सिक्योर करना चाहिए था। फिर तीसरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये सरकार एथिस्ट की भी सरकार होती तो भी लॉ ये कहता है कि 100 साल पुरानी चीजें इन्हें ऐसे नहीं तोड़ सकते। लॉ ये कहता है कि आप गंगा नदी में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, गंगा नदी के 200 मीटर बाहर तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने गंगा नदी में जा करके कंस्ट्रक्शन किया, गंगा नदी में मट्टे वो मलबा डाल करके रिक्लेम करके कंस्ट्रक्शन किया। लॉ ये कहता है, एनजीटी का रूलिंग है कि गंगा नदी के फ्लो से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इन्होंने जो जेटी बनाई है जिसपे ये लोग डींगे मारते हैं कि जेटी से लोग बोट से आएंगे सीधे जाएंगे, वो गंगा नदी में जेटी बनाई गई है। पुराने जो घाट कंस्ट्रक्ट किए गए थे गंगा नदी के मैकेनिक्स को देख करके कंस्ट्रक्ट किए गए थे, उससे पानी अवरोध नहीं होता था, इन्होंने पानी को अवरोध करके कंस्ट्रक्शन किया है और उससे एक पोर्शन का पानी सड़ भी रहा है। तो ये चारों लेवल पे ये इनका ये डिजास्टर है ये कॉरिडोर अपने आप में। एक अन्नपूर्णा मंदिर की बात हुई थी जिसकी आपने ट्विटर पे फोटो डाली थी, और फिर उस दूसरे पक्ष से आया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मंदिर आपने कहा था ट्विटर पे कि मंदिर तोड़ा गया है, किंतु जो सरकारी पक्ष, या सरकारी पक्ष नहीं कहे, जो प्रवक्ता भी नहीं कह सकते, मतलब जो उनके एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है सोशल मीडिया पे, संयोजक थे वो। संयोजक थे हाँ, तो उन लोगों की तरफ से कहा गया था कि ये निराधार है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसकी क्या सच्चाई है? नहीं, निराधार होता तो केस कर देते हम लोग के ऊपर, फेक न्यूज पे तो केस होता है ना। फैक्ट ये है कि मंदिर पंचायतन शैली में था, और एक कोड में भोग अन्नपूर्णा का मंदिर था, भोग अन्नपूर्णा के मंदिर को लॉकडाउन के टाइम तोड़ा गया था और उनके विग्रह को ड्रिलिंग मशीन से हटाया गया था। फिर उसके बाद जब हो अल्लाह मचाएगा कहा कि नहीं तोड़ा गया, जब फोटो आगे कह रहे हैं तो पुनः स्थापित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा मैटर हो गया तो एक मंद कॉरिडोर की एक छोटी सी कोठरी बनाई गई और उसमें लाके रख दिया गया। अब आप ये बताइए कौन सा शास्त्र विखंडित मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति देता है, और कौन सा शास्त्र ये बताता है कि सुंदरीकरण के नाम पे मंदिर तोड़ा है, मतलब मंदिर ट्रांसफर इधर रिलोकेट किए जाते हैं। पिछली बार विश्वेश्वर मंदिर कई बार रिलोकेट किया, कारण था कि मुस्लिम आक्रांता तोड़ रहे थे, यहाँ पे भी इन्होंने मंदिर रिलोकेट किया, तो यह तो एक्सेप्ट कर लें कि हम उन्हीं औरंगजेब और सरकी साम्राज्य के वंशज हैं, टीका लगाना छोड़ दें। कम से कम वो लोग तो तब भी कल्चर्ड थे कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते थे,
ये मंदिर तोड़ के होटल बनाते हैं, हिंदू सम्राट नहीं होटल रहते सम्राट तो या तो ये एक्सेप्ट कर लें। फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर तोड़ा और उसके बाद कनाडा से पता नहीं कहाँ से लेके आ गए, कह रहे हैं कि हम मूर्ति रिक्लेम करके ला रहे हैं वहां से। फैक्ट ये है कि शास्त्राज आर वेरी क्लियर व्हेन दे टॉक अबाउट रिलोकेटिंग अ टेंपल, की कुछ कंडीशंस होती हैं कि चांडाल ने अगर शराब पी लिया है, मीट खा लिया है वहां पे, तो मंदिर रिलोकेट होता है, या बिजली गिर गई है शिखर के ऊपर तो रिलोकेट होता है, या नदी के कछार ने काट दिया है मंदिर को तो रिलोकेट होता है। ये पहली बार ये तो नया शास्त्र लिख दें ये लोग कि उसका जगह स्पेस बड़ा ही करनी थी, इस वजह से मंदिर रिलोकेट कर लिया। फिर ऐसे अब जो है तीसरी चीज, एक 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 नारद संहिता की, भृगु संहिता में आता है मंदिर रिलोकेट की, चांडाल ने अगर शराब या मांस खा लिया हो, इन्होंने मलेच्छों से बुला करके मंदिर तोड़वाए हैं। फैक्ट ये है, जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था मोदी जी गले जिनसे लगे थे वो मुसलमान थे बंगाल के, क्योंकि हिंदू वर्कर शिवलिंग पे चढ़ के ड्रिलिंग मशीन से मंदिर नहीं तोड़ेगा, तो एक्चुअली इन्होंने मंदिर रिलोकेट। ये कहाँ पे हुआ? ये विश्वनाथ कॉरिडोर में हुआ है, और ये भी इलीगल है, क्योंकि जो 1983 का अधिनियम अधिग्रहण का एक्ट है उसमें लिखा गया कि नो पर्सन हु इज नॉट हिंदू और सीजेस टू बी ए हिंदू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बाय द टेंपल अथॉरिटीज। उसमें तो इन्होंने मुसलमानों, और जो कॉरिडोर है वो टेंपल की प्रॉपर्टी है पूरी, तो उसमें मुसलमानों से लेबर ही कराना, मंदिर तोड़वाना, इधर से उधर करवाना, ये तो इलीगल काम हुआ ना। और फिर उसके बाद अब तो इमेजेस भी आ गई हैं कॉरिडोर से शराब और चिकन विकन की फोटो निकलने की, तो चांडाल वाला सारा काम उसमें हो रहा है, और यही है। और फिर मंदिर आज की डेट में कॉरिडोर के जो साइड में परिक्रमा करने की गैलरी बनाई गई है उसी में एक छोटा छोटा कमरा दे दिया गया है, सारे देवी देवता के जो विग्रह थे तोड़े गए विग्रह को फिर से रख दिया गया है, लेकिन शास्त्र कहीं भी खंडित मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति नहीं देता है, और ये भी अशास्त्रीय है, अशास्त्रीय काम हुए हैं पूरे शास्त्र के, मतलब पीक, मतलब तीर्थराज तो खैर प्रयागराज है लेकिन काशी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है और वहाँ पे ये ऐसा काम हुआ है। 13 दिसंबर को जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इनॉग्रेशन था तब हमने देखा कि पूरे हिंदू समाज में जितने भी सेक्ट्स हैं, लगभग सभी सेक्ट के धर्माचार्य सब थे वहाँ पे आए थे, इस प्रोजेक्ट को उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। और अगर हम धर्माचार्यों की बात छोड़ भी दें कि ठीक है वो एक दिन के लिए आए, तो काशी तो अपने में प्रबुद्ध नगरी है, वहाँ पे काशी विद्वत परिषद है और कई विद्वान हैं, तो काशी विद्वत परिषद और धर्माचार्यों ने इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? देखिए धर्मगुरु जो हैं वो प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, उनकी शास्त्रीय विद्वता पे आक्षेप करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, पर उन्होंने आपत्ति क्यों नहीं जताई इसका आई डोंट नो क्यों नहीं जताई, लेकिन हमारे पिन पॉइंट क्वेश्चंस का कभी आंसर नहीं मिला कि अन्नपूर्णा माता को क्यों हटाया गया, कि अक्षयवट पेड़ कैसे गिर गया, अक्षयवट वृक्ष कैसे गिर गया, स्वर्धरेश्वर महादेव को क्यों विस्थापित कर दिया गया। भाई शास्त्र तो यही कहते हैं ना कि जुस्तितम सुस्तम ना वापी ना शिवलिंगम ना चालीत, कि शिवलिंग को हटाने वाला जो है उसको रौरव नर्क मिलता है, शिवलिंग जहाँ स्थापित हो गया वहीं स्थापित रहता है चाहे वो दुष्ट आदमी ने भी लगाया हो। काशीखंड का तो एक और श्लोक ये है कि सुअर भी अपने स्वभाव के विपरीत मिट्टी नहीं खोदता कोई कोई शिवलिंग इधर से उधर चलित ना हो जाए, पर यहाँ तो स्वयंभू शिवलिंग को उखाड़ करके नए जगह सीमेंट से चिपकाया गया ना, ये तो अशास्त्रीय। अब इन्होंने क्यों नहीं आपत्ति जताई, मतलब ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। और फिर कि क्या सारे गुरु सारे धर्माचार्यों ने इसको इंडोर्स किया, ऐसा नहीं है। जो पूरी जो शंकराचार्य के प्रतिनिधि हैं बनारस में, उनका नाम है स्वामी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने बहुत लंबा इस पे मूवमेंट चलाया, लीगल बैटल लड़ी उन्होंने, आज भी लंका थाने में वो खंडित शिवलिंगों की संरक्षण के लिए केस लड़ रहे हैं जो कि कॉरिडोर से निकले थे। उन्होंने पद यात्राएं की, पंचक्रोशी यात्रा की, कि एक मंदिर पे गए, लोगों को समझाया बुझाया, पर एंड ऑफ द डे वो सारे कांग्रेस एजेंट हो गए। और जिस पार्टी का ये कॉरिडोर किया धरा, उस पार्टी के मंच बड़े बड़े धर्मगुरु साझा करते आए हैं, और पार्टी प्रोपेगेंडा मशीन से लड़ना इम्पॉसिबल है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद तो एक वो भी किया था, धर्म संसद भी किया था, आपको आप लोग किसी को पता भी नहीं होगा, लेकिन उसका काउंटर धर्म संसद भी आरएसएस ने तुरंत कुछ टाइम में कर दिया था। लेकिन विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद का क्या इस पे? काशी विद्वत परिषद जो है पहली बात तो कोई लीगल एंटिटी नहीं है उसका, अब आज की डेट में अगर रूल ऑफ लॉ में देखा जाए तो उसकी उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता है। लेकिन काशी विद्वत परिषद ने भले ही ओपन शब्दों में एंडोर्स किया हो पूरे प्रोजेक्ट को, पर जब वो पिन पॉइंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि
खंडोक्त देवालय हटाना सही है गलत, तो वो सीधा बोलते हैं कि खंडोक्त देवालय नहीं हटना चाहिए था। और आगे वो बोलते हैं कि उन्होंने सरकार से अपील भी की थी कि देवालय ना हटाया जाए, और सर फिर उनसे पूछा गया तो फिर सरकार का क्या जवाब था, तो वो कहते हैं कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, हम बाकायदा इसको डॉक्यूमेंट्री में रिलीज करेंगे। तो वो कहते हैं कि हम सरकार को केवल सजेस्ट कर सकते हैं, उनको आदेश नहीं दे सकते। और सबको मालूम है गवर्नमेंट चार पांच विद्वानों का समूह इतनी बड़ी मशीनरी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो अपनी पोजीशन भी तो खो सकते हैं ना टाइम। खैर ये सब तो वो उसकी बात हो गई, इंट्रिकेसीज की बात हो गई, पर फैक्ट ये है कि विद्वत परिषद आज की डेट में भी खंडोक देवालय को हटाए जाने को इंडोर्स नहीं करता है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और वो सरकार से उन्होंने अपील भी की थी कि इसको वापस स्थान पर लगाया जाए। तो दोनों स्टैंड यही है कि धर्माचार्य क्या हुआ विद्युत परिषद का, और हमारे कभी पिन पॉइंट क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दिए गए, अगर इतना ही अगर गलत मतलब है कि हम लोग तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे पिन पॉइंट क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए कि कौन से शासन में शिवलिंग को स्थापित करने का है, कि मंदिर कैसे भग्न किए जा सकते हैं, तीर्थ में क्या होना चाहिए, अभिमुक्त क्षेत्र क्या है, लीगली क्या ये मतलब जो मुस्लिम्स एम्प्लॉय किए जा सकते थे उस पवित्र क्षेत्र में, क्या ये लीगल है, तो इसको गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिस्ट से पूछिए कि क्या सही हुआ था वहाँ पे, जिस हिसाब से वहाँ पे आर्टिफैक्ट पूरा एरिया में है, क्या उसको जिस तरह से हैंडल किया गया था वो हैंडल किया जाना चाहिए था। वो एरिया तो आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर था, जिस हिसाब से जेसीबी घुसी है और निर्ममता से इस्तेमाल किए गए हैं कल औजार, क्या वो आर्कियोलॉजिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं क्या, तो उनके प्रोटोकॉल भी मना करेंगे, पर क्या कर सकते। तो इस चर्चा से दो बात सामने आ रही है जो मैं समझ पा रहा हूँ। पहला तो कि हिंदुओं को केवल अपना मंदिर रिक्लेम नहीं बल्कि पूरा वो क्षेत्र रिक्लेम करना है, जिसमें जो मूल स्थान है वो भी है, जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा उस वो भी है, और ज्ञानोदक तीर्थ भी है। और दूसरा एक प्रश्न है जो हिंदू समाज को उत्तर देना चाहिए कि क्या वो सेक्युलर स्टेट का हस्तक्षेप स्वीकार करेगा अपने तीर्थ क्षेत्रों में, या तीर्थ क्षेत्र जिस तरह संचालन किए जाए, क्योंकि जब सेक्युलर स्टेट किसी जगह इंटरफेयर करता है तो उसके लिए कुछ भी सेक्रेड नहीं है, उसके लिए अक्षयवट सेक्रेड नहीं है, उसके लिए कोई पुराणोक्त शिवलिंग जो है वो सेक्रेड नहीं है, उसके लिए एक कहें तो जो उससे जो एक बेनिफिट आ रहा है, चाहे वो टूरिस्ट से हो चाहे वो कमर्शलाइज्ड बेनिफिट हो, वो सर्वोपरि है उसके लिए। तो ये एक प्रश्न है जो इसका उत्तर शायद हिंदू समाज को देना चाहिए, जिस पर कम से कम चिंतन तो करना ही चाहिए। तो धन्यवाद शिवम आपका इस चर्चा के लिए, और प्रतीक्षा रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्री की जो आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर बनाई है। धन्यवाद, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्री आ जाए। अब काफ़ी सारे टेक्निकल उसमें आते रहे थे प्रॉब्लम, क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, लेकिन प्रयास रहेगा कि जल्दी ही आ जाए। धन्यवाद। आशा करता हूँ दृष्टिकोण का ये अंक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।